जिज्ञासु मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे कुछ जिज्ञासु लोगों ने प्रश्न रखा है कि निराकार परमात्मा, निराकार ईश्वर अगर नहीं है तो क्या ईश्वर साकार है? तो पहले तो ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो आपने वीडियो निराकार ईश्वर, निराकार या साकार के अंतर्गत जो व्याख्यान आपने सुना वो तर्क संगत भी है और शास्त्र सम्मत भी है। उस व्याख्यान में ये नहीं कहा जा रहा कि ईश्वर निराकार नहीं है, अन्यथा ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि संपूर्ण भाव जगत में, इस संपूर्ण भव सागर के अंदर ये जो पूरी सृष्टि है, ये भाव जगत की सृष्टि है, भावनाओं का जगत है, ये भव सागर है, ये विचारों की दुनिया है। ये पश्चिम के एक दार्शनिक हुए जिन्होंने कहा कि होल वर्ल्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ थॉट्स, संपूर्ण संसार विचारों की समष्टि मात्र है। तो ये जो विचारों की समष्टि मात्र है, ये कहने का प्रयास किया गया कि इस भव सागर में, इस काल और माया का जो संसार है, ये साकार सृष्टि है, इसमें कहीं भी कोई भी वस्तु निराकार नहीं है, ये समझाने का प्रयास किया। उनकी तुलना, जैसे कई बार लोग कह देते हैं कि भाई बर्फ साकार है और जल निराकार है, नहीं जी, बर्फ भी साकार है और जल भी साकार है, ये वायुमंडल भी साकार है, ठीक। तो कहने का ये प्रयास किया गया कि संसार के अंदर प्रत्येक वस्तु साकार है, भूख भी साकार है और भोजन भी साकार है, क्योंकि उनकी गणना संभव है, की जा सकती है, कैलकुलेशन हो सकता है। इसलिए उस इन सभी चीजों से ईश्वर की, निराकार ब्रह्म की तुलना करना गलत है। किसी जिज्ञासु मित्र ने पूछा कि वेदों में तो ईश्वर को निराकार कहा गया है, तो क्या हम वेदों को हम कितना जानते हैं, हमने कितना अध्ययन किया है, या किसी की व्याख्या पढ़ ली है कि भाई वेदों में ईश्वर को निराकार कहा गया है। अब वेदों को, वेदों में तो देवी देवताओं की पूजा का वर्णन है, कर्मकांड भी वेदों में आते हैं, उन्हीं के आधार पर मीमांसा दर्शन जो श्रावण स्वामी का भाष्य है उसी के आधार पर उसकी रचना हुई है, कर्मकांड के आधार पर। तो वेदों में यज्ञ की बात आती है, अग्निहोत्र की बात आती है और कई तरह के कर्मकांड रिचुअल्स जिसे हम कहते हैं वैदिक रिचुअल्स की भी चर्चा है। देवताओं में मुख्य रूप से पूरे ब्रह्मांड को तीन भाग में बांटा गया है वेदों के अंदर, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी, और फिर आकाश के अलग देवता होते हैं, मित्र, वरुण आदि जो देवता हैं, आदित्य हो गए, ये सारे देवता आकाश के अंतर्गत हो जाते हैं। पृथ्वी के अलग देवता हैं, पृथ्वी हो गई, बृहस्पति हो गए, अग्नि हो गए, ये पृथ्वी के देवता माने गए। अंतरिक्ष के अंदर वायु देव को अंतरिक्ष में रखा गया। तो इस प्रकार से उन वायु में कई देवताओं का, ऐसा नहीं कि मैं एक का नाम ले रहा हूं, और भी देवता उसके अंदर आते हैं। तो इन देवी देवताओं के मंत्र हैं, उनकी स्तुति है, उनका गुणगान है वेदों के अंदर। तो फिर तो या तो वेदों को पूरा स्वीकार करें, ये नहीं कि अपने मतलब की बात हमने स्वीकार कर ली, ठीक है। तो ये इसलिए निराकार कहना, जहां पर हम बात है ना कि निराकार शब्द की व्यापकता को आप समझें,
ये कह देना बड़ा आसान है कि ईश्वर निराकार है, लेकिन जो उसकी व्यापकता है, अगर वो समझ में नहीं आई तो फिर आप किसी भी वस्तु को निराकार नहीं कह सकते। पिछले भी व्याख्यान में मैंने आपको बताया कि बचपन में हमारा शरीर कुछ और था, अभी जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था में बदलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शरीर निराकार है? जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि जल निराकार है, गिलास में डालो तो गिलास का आकार और कटोरी में डाल दो तो कटोरी का आकार ले लेगा। जैसे पात्र में आप डालोगे, बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी का आकार ले लेगा, ड्रम में डाल दो तो ड्रम का आकार ले लेगा, नदी में जिस, तो ये है कि उसके आकार में परिवर्तन अति शीघ्रता से आ जाता है, लेकिन उसको हम निराकार नहीं कह सकते। अगर जल निराकार होता तो शास्त्रों में जल को भी निराकार की जो उपमा है, ये जल के लिए भी प्रयोग होता, अग्नि के लिए, वायु के लिए भी प्रयोग होता, अगर अग्नि और वायु निराकार होते। लेकिन निराकार तो सिर्फ ईश्वर को कहा जा रहा है, जल को या किसी अन्य वस्तु को निराकार तो हो ही नहीं सकता ना, निराकार संभव ही नहीं। इसलिए निराकार सिर्फ ब्रह्म ही हो सकता है, और वो भी सनातन अव्यक्त ब्रह्म, जो व्यक्त नहीं होता। ध्वनि है, ध्वनि भी निराकार नहीं है, ये प्रकाश तत्व भी निराकार नहीं है, लेकिन संबंध बनाते हैं अव्यक्त ब्रह्म से। इसलिए जहां पर भी निराकार, हम व्याख्यान देने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये साबित करने में लगे कि ईश्वर निराकार नहीं। अगर निर्वाणाष्टकम आप सुनेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य का, उन्होंने कहा कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ऐसे करके ना मैं जीवा हूं, ना मैं श्रोत्र हूं, ना मैं कान हूं, ना जीवा ना त्वचा, इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है निर्वाणाष्टकम के द्वारा। अंत में कहा जा रहा है अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, अहम निर्विकल्पो, मैं स्वयं निर्विकल्प हूं और निराकार स्वरूप हूं। तो निराकार स्वरूप की बात तो कही जाए, लेकिन पहले क्या कह दिया, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, वो जो निराकार है, वो जो निर्विकल्प है, वो मन बुद्धि अहंकार के परे है, जहां मन कार्य नहीं करता, जहां बुद्धि काम नहीं करती, जहां इन सब के परे भावातीत अवस्था। इसलिए पिछले व्याख्यान को फिर से सही से सुने, जिनको लग रहा है कि भाई बात समझ में नहीं आई, हम यहां पर, ये संसार जहां पर हम रह रहे हैं, ये भावनाओं का संसार है, और जहां पर निराकार ब्रह्म की बात हो रही वो भावातीत है। इसलिए कहा गया मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ना मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त से परे, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं निर्विकल्प निराकार स्वरूप हूं, शिवो हम शिवो हम, और वही शिव का वास्तविक रूप है। तो जहां पर मन बुद्धि अहंकार काम ना कर, निर्विकल्पो, जहां कल्पनाएं ना हो, कल्पनाएं ना हो, तो अब प्रश्न उठता है कि अगर परमात्मा ब्रह्म ऐसा है तो उसकी भक्ति कैसे हो? हम जो भक्ति कर रहे हैं क्या वो हमें परमात्मा तक ले जाए, और जो कर रहे हैं क्या वो गलत है समाज में? क्योंकि निराकार के नाम पर बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि भाई, जैसे कि वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं कि भाई वेदों में तो भगवान को निराकार बताया गया है, उसको फिर साकार की, अरे वेदों में ही साकार की पूजा बताई गई है, कर्मकांड बताया गया है, कर्मकांड वेदों का अंग है, वैदिक अंग है। वेदांग का अध्ययन करें, एक होता है वेद, एक होता है वेदांग, जहां पर 6 वेदांगों का अध्ययन होता है। मीमांसा दर्शन जो है वो कर्मकांड की ही व्याख्या करती है, उसकी उसकी यथार्थ को समझाने का प्रयास करती है। तो इसलिए वेद क्या कहना चाहते हैं, निराकार कहकर क्या समझाना चाहते हैं, वो भावातीत, भावनाओं के परे। लेकिन जब हम निराकार कहते हैं, ऐसे पूरी दुनिया में ऐसे कई संप्रदाय, कई समाज है जो इस बात को कहते हैं कि गॉड इज वन, ईश्वर एक है, वो दो नहीं हो सकता, सत्य बात है, लेकिन वो निराकार है, उसका कोई मूर्ति नहीं होती, उसकी कोई प्रतिमा नहीं होती, वो प्रतिमावान नहीं होता, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती। तो फिर मूर्ति नहीं होती तो मान लो कि आप, चलो मूर्ति पूजा को हम थोड़ा सा समझते हैं, हमारे सामने कोई मूर्ति है, देवी की मूर्ति है, 8 भुजाएं हैं देवी के, अलग अलग आयुध देवी ने धारण किए हैं,
और एक असुर राक्षस का वध कर रही है देवी, ऐसी मूर्ति आप अभी नवरात्रों में हम देख लेते हैं, दुर्गा पूजा के पंडालों में हम देख लेते हैं। तो अब हम उसको देखते हैं मूर्ति को, तो हमने कह दिया कि भाई ये तो एक कल्पना है, कोई आठ हाथ वाली देवी कैसे हो सकती है, किसी स्त्री के आठ हाथ कैसे हो सकते हैं, और आठ हाथों में उसने अलग अलग आयुध धारण की है, राक्षसों का वध कर रही है, ये सब एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, चलो ठीक है मान लिया आपकी बात की ये कल्पना है। फिर आपने कहा कि नहीं ईश्वर तो निराकार है, तो अब आप मुझे बताइए कि आप उस निराकार परमात्मा को कैसे पूजेंगे, कैसे भक्ति करेंगे। तो निराकार है, हम कोई मूर्ति नहीं लगाएंगे, हम कुछ नहीं लगाएंगे, और ऐसी उससे मन ही मन हम जुड़ेंगे। भैया आप मन ही मन उस निराकार से जुड़ने की जब बात कर रहे हैं तो ये भी एक कल्पना ही है, ये भी इमेजिनेशन है आपकी कि आप सोच रहे हैं। जो निर्विकल्प है वो कभी आपके विचारों में समा ही नहीं सकता, असंभव है उसके लिए कि वो आपके विचारों में आ जाए। और जब भी आप सोचेंगे कि हाँ परमात्मा निराकार है, तो ये तो आपकी कल्पना है, ये भी एक इमेजिनेशन है कि वो निराकार है, आप कल्पना कर रहे हैं, यहां पर भी आप कल्पना कर रहे हैं, वो मात्र मूर्ति ही कल्पना से नहीं बना देगी, हो सकता है वो मूर्ति ज्यादा यथार्थ हो इस बात से, इस बात की तुलना में कि आप किसी निराकार परमात्मा की कल्पना कर रहे हैं। कल्पना तो कल्पना है, जो निर्विकल्प है आप उसे सविकल्प कर रहे हैं, तो वो ब्रह्म तो हुआ ही नहीं। जब आप ऐसे ही बैठकर किसी भगवान को याद कर रहे हैं कि हे प्रभु तुम निराकार हो, तुम्हारा कोई आकार नहीं है, आपकी इमेजिनेशन, दिस इज इमेजिनेशन, ये एक कल्पना है कि आप उसे निराकार सोच रहे हैं, क्योंकि जो वास्तव में आप निराकार की जब व्यापकता को समझने की कोशिश करेंगे तो आप उसे सोच भी नहीं सकते, वो आपकी सोच के परे, वो अस्तित्व की परिभाषा के परे है, बियॉन्ड द डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, वो अस्तित्व की परिभाषा के परे। तो इमेजिनेशन तो आप यूज कर ही रहे हैं अपना, जब आप उसे निराकार कहकर भी भक्ति करने का या उससे प्रार्थना करने का आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, उसे उससे बातें करूं, अरे भाई ये भी आपकी इमेजिनेशन है, कल्पना है। इससे बेहतर है कि उसे एक मूर्त रूप दे दिया गया, उसे बना दिया गया कि आठ भुजाएं हैं देवी की, वो देवी स्वरूपा है और आसुरी शक्ति का, वो देखते ही हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है, भाव तो आप वैसे भी उत्पन्न कर रहे हैं जब उसे निराकार कर रहे हैं, और लेकिन जब मूर्ति के अंदर हम जब हम देखते हैं और किसी मूर्ति को, वहां से भी एक भाव उत्पन्न हो रहा है। ये संपूर्ण संसार भाव जगत है, ये भावनाओं का संसार है, इस बात को समझिए। तो इस भावनाओं के संसार में निर्गुण ब्रह्म कहां से आ जाएगा और निराकार परमात्मा कहां से आ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे कि होता नहीं है, होता नहीं, लेकिन जिस तरह की भक्ति हम करते हैं, प्रेयर करना, प्रार्थना करना, पूजा करना, वो उस तरह की पूजा कभी भी निर्गुण ब्रह्म की संभव नहीं है। इसलिए पिछले व्याख्यान में भी कहा गया था कि भक्ति, ये जो पूजा पाठ है, जितनी भी चीजें हैं, जितना भी हम, इससे कभी भी आप निराकार परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, उसके लिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का मार्ग चुनना पड़ेगा। जब समाधि घटित होगी, समाधि से पहले भी नहीं, ध्यान में भी नहीं, धारणा में भी नहीं, प्रत्याहार में भी नहीं, प्राणायाम के पीछे तो आसन, यम, ये तो स्थूल क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, आंतरिक जगत में प्रवेश करना जिसे कहते हैं, वो प्रत्याहार से प्रारंभ होता है। जब एक अगले वीडियो में, कुछ आने वाले वीडियोस में हम इन अष्टांग योग के इन अंगों को स्पष्ट करेंगे कि प्रत्याहार वास्तव में क्या है, प्राणायाम क्या है, धारणा ध्यान क्या है। तो ये समझने वाली बात है कि जब तक आप स्वयं निर्विकल्प नहीं हो जाएंगे तो आप निर्विकल्प तक, इसलिए कहा कि अहम निर्विकल्पो, स्वयं के लिए कहा जा रहा है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, कि हम स्वयं ही निर्विकल्प और निराकार रूप हैं, स्वयं ही। इसलिए सांख्य दर्शन के अंदर प्रकृति पुरुष की चर्चा आती है, प्रकृति सक्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है, पुरुष चैतन्य और निष्क्रिय है, प्रकृति जड़ और सक्रिय है, यह ज्ञान विषय है। इसलिए इस विषय को छेड़ा गया कि भाई
निराकार ब्रह्म आप उसको कैसे प्रेयर करेंगे, कैसे पूजा आप कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर उस जब आप कर नहीं सकते हैं, जब आपको कल्पना ही करनी है, इमेजिनेशन ही करना है आपको, तो गिव, क्योंकि वो फॉर्म तो नहीं रहा है आपकी कल्पना। जब आपने निराकार कह दिया, ये निराकार शब्द अपने आप में साकार है। आपकी कल्पना कभी भी निराकार नहीं हो सकती, वो साकार ही होगी, वो कभी निराकार नहीं हो सकती। इसलिए इससे बेहतर है कि आप कोई सकारात्मक रूप दे दें और उसकी पूजा करें, उसका ध्यान करें। हो सकता है कि उसके ध्यान से ही आप निराकार तक पहुंच जाए, क्योंकि भावनाएं साधन बनती हैं भावातीत तक पहुंचने की। भावनाएं साधन बनती हैं, इसलिए मूर्ति पूजा गलत है सही है, पहले तो आप स्पष्ट कर रहे कि आप अपने भावनाओं से जितनी भी प्रार्थना करें, जितनी भी पूजा करें, निराकार परमात्मा को माने कि निराकार ब्रह्म है, वेदों में कहा है, कबीर साहिब ने कहा है, फलाने धर्म फलाने फकीर ने संत ने कहा है, आप अपने भावनाओं से उस निराकार ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भावनाएं स्वयं साकार हैं, कल्पनाएं स्वयं साकार हैं, स्वयं गुणवान है, वो निर्गुण नहीं है, वो स्वयं गुणवान है। तो इसलिए आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जब नहीं पहुंच सकते हैं तो आप इस संसार में, इस जगत में आप जिसकी भी पूजा करेंगे वो साकार ही होगा, आप साकार की पूजा करेंगे। निराकार का हो आप कह दें भले कि हाँ हाँ मैं निराकार, मैं निराकार, लेकिन आप वहीं पर हैं। ये बिल्कुल बात वैसे हो गई उस कोलो के बैल की तरह के, भाई उसे घुमाओ को वो घूमता रहे, उसको लगे कि मैं बहुत दूर, अरे भैया तुम वहीं के वहीं हो, तुम कहीं नहीं गए। इसलिए कह देने से कोई निराकार नहीं हो जाता, कह देने से कोई निर्विकल्प नहीं हो जाता। मन के परे, बुद्धि के परे, भावनाओं के परे, विचारों के परे की चीज है, उसे निर्विकार निराकार निर्विकल्प कहा जाता है। तो वहां उस अवस्था को मात्र समाधि में जाके स्पर्श किया जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं, ध्यान में भी नहीं होता, धारणा में भी नहीं होता, अन्यथा संभव नहीं। तो इसलिए निराकार तक पहुंचना ये कैसे संभव हो, और जो साकार की पूजा है, क्योंकि लोग अक्सर ये कह देते हैं कि परमात्मा निराकार है तो फिर मूर्ति पूजा करने की जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता है किसी मूर्ति को, देवी की मूर्ति है, देवता की, गणेश जी की मूर्ति है, ऐसे हाथी कर, ये सब क्या है, ये सब कल्पना है, ये सब आडंबर है। आपके अंदर भाव उत्पन्न करता है, सकारात्मक भाव, शक्तिशाली भाव, ये भावनाओं का विज्ञान है। तो निराकार परमात्मा आप अगर भक्ति भाव करते भी हैं तो उस तक जब पहुंचता ही नहीं है, तो फिर ये भाव वाली जो भक्ति है जहां पर एक भावनाओं का वेग उठाया जाता है, हमने देवी की मूर्ति को देखा, देवी ने ऐसे आठ भुजाएं धारण की हैं, आयुध धारण किए हैं और असुर का वध कर रही है देवी, देखते ही मन में एक भाव, एक शक्ति का भाव उत्पन्न होता है और उस शक्ति को हम नमन कर देते हैं। हमारा मन भी आत्मविश्वास से बढ़ जाता है उस स्वरूप को देखकर, एकाग्रता बनती है। तो अब प्रश्न उठता है कि मूर्ति पूजा कितनी गलत और कितनी सही है, क्योंकि निराकार की पूजा तो हो ही नहीं सकती है। अभी भी बोल रहा हूं इस पर, आपको अगर इस विषय को और समझना हो तो आप नंबर दिए रहते हैं, आप फोन करके भी इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। निराकार को तो आप पूज ही नहीं सकते हैं, उसकी पूजा होती ही नहीं है, क्योंकि आप भावनाएं अर्पित कैसे करेंगे निराकार को, वो तो भावातीत है, निर्विकल्प है, कल्पनाओं के परे है। आप निराकार कह रहे हैं तो आप कल्पना ही कर रहे हैं, और जब कल्पना कर रहे हैं, कल्पनाएं तो साकार होती है, निराकार नहीं होती, निर्गुण नहीं होती, उनमें गुण होते हैं, वो गुणों को धारण करती है। इसलिए विचार करें, ईश्वर के साकार निराकार रूप, उसकी पूजा करना, उसकी भक्ति करना, उसको कहना, उसको जानना, इनमें बहुत फर्क है, इन सभी तथ्यों में अंतर है। उस अंतर को समझें, आधार तो साकार का ही है और ध्यान पूजा ये जो कुछ भी है वो साकार का ही होता है, निराकार का नहीं हो सकता है, चाहे वो प्रकाश तत्व हो। कोई कहे कि हमने घट के भीतर भरगो ज्योति का दर्शन, हम ध्यान में बैठते हैं और हमें ज्योति, अरे वो ज्योति भी गुणवान है, वो निर्गुण थोड़ी ना है, वो निराकार थोड़ी ना है,
आप देखते होंगे अपने घट के भीतर उस प्रकाश तत्व को, लेकिन वो गुणवान है, वो गुण संपन्न है, इसलिए आपको दिखाई देती है। वो आपके मन के अंदर भावनाएं उत्पन्न करती है, इसलिए निराकार तत्व तक पहुंचना, निर्विकल्प तक पहुंचना, भावातीत तक पहुंचना एक अलग विषय है। और संसार में भगवान को निराकार मानना, जहां मानने की बात आ गई तो वहां तो साकार ही हो सकता है, निराकार कुछ है ही नहीं, कोई नहीं मिल सकता। इस संपूर्ण भाव जगत में जो कुछ भी है, इस काल माया के संसार में जो कुछ भी है, वो साकार सृष्टि है, सगुण सृष्टि है, वो निर्गुण निराकार इसमें कुछ भी नहीं है, इसके परे है, मन बुद्धि अहंकार के परे है। आप सिर्फ अगर कल्पना करोगे तो वो साकार होगा, निराकार नहीं होगा, उसका कोई लाभ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए उस तक पहुंचने की जो विधि है उसे समझना है। मूर्ति पूजा क्या है, गलत है, सही है, ईश्वर तो निराकार है, तो फिर मूर्ति पूजा हम क्यों करते हैं, उससे क्या लाभ है, कुछ इस विषय पर, देवी देवताओं के कुछ विषय पर वेदों में इसका मत रखा गया है। देवी देवताओं का मैंने अभी बताया कि अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी, प्रकृति, कर्म और भाव, ये 6 प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो हम इनको समझने का प्रयास करेंगे और उनकी पूजा, उनका ध्यान कितना गलत और कितना सही है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।